देवा रुद्रनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है जो कि पंच केदार में से एक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के कारण सभी कुछ सांकेतिक किया जा रहा है। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी की जल विग्रह डोली रविवार को 16 मई 2001 को विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे चल विग्रह डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए किस तरह से जाती है। दोस्तों, रुद्रनाथ धाम का ट्रैक और यात्रा सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी है। कपाट खुलने और बंद होने की एक निश्चित तिथि होती है और विधि विधान पूजा अर्चना के साथ कपाट खोले जाते हैं। तो आज यह चल विग्रह डोली का जो आयोजन हम आपको दिखा रहे हैं, आप ऑनलाइन हमारे वीडियो के माध्यम से पूरा विवरण देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि 17 मई को प्रातः 5 बजे भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खोले गए। पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया गोपीनाथ मंदिर से शुरू होती है। दोस्तों, 16 मई को सुबह 9 बजे गोपीनाथ मंदिर में प्रातःकालीन पूजा अर्चना के बाद भगवान रुद्रनाथ जी की चल विग्रह मूर्ति को गर्भगृह से परिसर में लाया गया। उसके बाद डोली को अपने स्थान रुद्रनाथ को रवाना हो गई। भगवान रुद्रनाथ की 6 माह तक वहीं पूजा अर्चना की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना काल के कारण पूजा अर्चना के दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करवाया गया और डोली के साथ कुछ ही लोग गए। भगवान रुद्रनाथ मंदिर देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मुखलिंग के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। रुद्रनाथ मंदिर पहुंचने के लिए गोपेश्वर से 24 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। दोस्तों, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं, जिसका उदाहरण है रुद्रनाथ ट्रैक। रोमांचित करती है रुद्रनाथ की यात्रा, स्वर्ग सा होता है एहसास यहाँ। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि रुद्रनाथ की यात्रा के लिए सबसे पहले गोपेश्वर पहुंचना होता है। गोपेश्वर एक आकर्षक हिल स्टेशन है जहां पर ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर है। इस मंदिर का ऐतिहासिक लौहर त्रिशूल भी आकर्षण का केंद्र है। गोपेश्वर पहुंचने वाले यात्री गोपीनाथ मंदिर और लौह त्रिशूल के दर्शन करना कभी नहीं भूलते हैं। गोपेश्वर से करीब 5 किलोमीटर दूर है सगर गांव। वहां लिट्टी बुगाल के बाद करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है पनार बुग्याल। 10,000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित पनार रुद्रनाथ यात्रा मार्ग का मध्य द्वार है, जहां से रुद्रनाथ की दूरी करीब 11 किलोमीटर रह जाती है। यह ऐसा स्थान है जहां पर वृक्ष रेखा समाप्त हो जाती है और मखमली घास के मैदान यकायक सारे दृश्य को परिवर्तित कर देते हैं। अलग अलग किस्म की घास और फूलों से लदी घाटियों के नज़ारे यात्रियों का मुंह बांधते चले जाते हैं। जैसे जैसे यात्री ऊपर चढ़ते जाते हैं,
प्रकृति का उतना ही खिला रूप उसे देखने को मिलता है। पनार से हिमालय की चोटियाँ, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, नंदा घुंगटी आदि शिखरों का यहाँ से नज़दीकी नज़ारा होता है। पनार से आगे पितृधार नामक स्थान है। पितृधार में शिव पार्वती और नारायण मंदिर है। यहाँ पर यात्री अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं। यहाँ पर वन देवी के मंदिर भी हैं। रुद्रनाथ की चढ़ाई पितृधार से खत्म हो जाती है और यहाँ से हल्की उतराई शुरू हो जाती है। दोस्तों, पनार बुग्याल से पितृधार होते हुए करीब 11 किलोमीटर के सफ़र के बाद अब हम पहुँचते हैं पंच केदारों में चौथे केदार रुद्रनाथ धाम में। आप लोगों को यह भी बता दें कि चट्टान में विशाल प्राकृतिक गुफा में बने मंदिर में शिव की दुर्लभ पाषाण मूर्ति है। यहाँ शिव जी की गर्दन टेढ़े किए हुए है। माना जाता है कि शिव जी की यह दुर्लभ मूर्ति स्वयंभू है, यानी अपने आप प्रकट हुई है। इसकी गहराई का भी पता नहीं है। मंदिर के पास वैतरणी कुंड में शक्ति के रूप में पूजी जाने वाली
शेषशायी विष्णु जी की मूर्ति भी है। मंदिर के एक ओर पांडव, कुंती, द्रौपदी के साथ छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। रुद्रनाथ के कपाट परंपरा के अनुसार खुलते और बंद होते हैं। शीतकाल में 6 माह के लिए रुद्रनाथ की गद्दी गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में लगाई जाती है, जहां पर शीतकाल के दौरान रुद्रनाथ की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको पंच केदारों में रुद्रनाथ डोली यात्रा कैसी लगी, अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वैसे तो रुद्रनाथ का समूचा परिवेश इतना अलौकिक है कि यहाँ के सौंदर्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहाँ हरियाली ना हो, फूल ना खिले हों। रास्ते में हिमालयी मोर, मोनाल से लेकर थार, थुनार और मृग जैसी जंगली जानवरों के दर्शन तो होते ही हैं। साथ ही भोजपत्र के वृक्षों के अलावा ब्रह्म कमल भी यहाँ ऊंचाइयों में बहुत मिलते हैं। ट्रैकर्स और फोटोग्राफर्स की पसंदीदा स्थानों में है रुद्रनाथ। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि रुद्रनाथ कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके लिए आप 2 मार्गों से होकर आ सकते हैं। पहला मार्ग है ऋषिकेश से चमोली, जो कि 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से गोपेश्वर पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। गोपेश्वर से आप सगरगांव पहुंचते हैं और वहां से आपका पैदल मार्ग शुरू होता है रुद्रनाथ धाम के लिए। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि 5 केदारों की डोली यात्रा आपको ऑनलाइन के माध्यम से दिखाएं और साथ ही प्रत्येक पंच केदारों की जानकारी आप तक पहुंचाएं। और इसी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां की खूबसूरती से भी रूबरू करवाएं। आप लोगों को रुद्रनाथ की ट्रैकिंग और आप लोगों को रुद्रनाथ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसा लगा, ट्रैक कैसा था, अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।